हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली एनालिसिस ऑफ एमसीएक्स क्रूड ऑयल। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आर्ट्स पे क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अप्रैल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर क्रूड ऑयल 6500 के ऊपर सस्टेन करता है तब जो है हम लोग 6700 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, हम लोगों को लास्ट वीक मार्च के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से 200 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। और उसी हिसाब से दोस्तों, अगर आप लोगों ने लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तब जो है एक बार देख लीजिएगा। और उसी हिसाब से दोस्तों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए क्रूड ऑयल का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं क्रूड ऑयल में हायर हाइस हायर लोज फॉर्मेशन हो रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, एज पर टेक्निकल एनालिसिस क्रूड ऑयल का सेंटिमेंट बुलिश है। और दोस्तों, हम लोग डेली चार्ट पे देख सकते हैं 6750 क्रूड ऑयल के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 6750 के पास जाता है तब जो है फिर से रिट्रेसमेंट दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों, 6750 का लेवल नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर 6750 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर डेली कैंडल फॉर्म होता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 7000 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, 6750 के ऊपर 7000 बनने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए फर्स्ट टारगेट। और अगर आने वाले समय में 7000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर डेली कैंडल फॉर्म होता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 7250 के लिए भी आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर 6500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे डेली कैंडल फॉर्म होता है तब जो है हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, 6500 के नीचे हम लोग 6250 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 6500 क्रूड ऑयल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर 6500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तब जो है क्रूड ऑयल में डाउनफॉल दिख सकता है। और दोस्तों, हम लोग क्रूड ऑयल के डेली चार्ट पे देख सकते हैं क्रूड ऑयल में डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है जिसको इंडिसिशन कैंडल भी बोला जाता है। और उसी हिसाब से दोस्तों, मंडे का ट्रेडिंग सेशन क्रूड ऑयल के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। दोस्तों, वन आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 6650 क्रूड ऑयल के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। 6750 क्रूड ऑयल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर 6650 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे आवरली कैंडल फॉर्म होता है तब जो है हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेल कर सकते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों, 6650 के नीचे 6600 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट। 6600 के नीचे 6550 बनने वाला है क्रूड ऑयल के लिए सेकेंड टारगेट। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर 6550 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तब जो है क्रूड ऑयल 6500 के लेवल पे भी आ सकता है। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर 6650 का लेवल क्रूड ऑयल होल्ड करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 6750 के लिए ट्रेल कर सकते हैं।
और दोस्तों आने वाले समय में अगर 6750 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 6800 और 7000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।